हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात कैसे करें। आपने बहुत बार देखा हो कि आप किसी पार्टी में जाते हो, कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। फिर आप घर आ जाते हो, फिर सोचते हो कि काश मैं बात कर पाता। आप प्रॉब्ली एक बस पे जा रहे हो, एक ट्रेन पे जा रहे हो, आप मेट्रो पे जा रहे हो, आपको एक इंसान बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, पर ये नहीं पता कि कैसे करें। हिचक होती है, शुरुआत कैसे करनी है, सारा खेल यहीं पे है कि हम बात कैसे करें। नाउ ये हाउ टू टॉक टू एनीवन, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है अपने आप में। हाउ टू टॉक टू एनीबडी, किसी से भी बात कैसे करे जाए। यदि आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी इंसान से बात करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले चीज़ है प्रैक्टिस। यू नो, लोग ना बहुत आसानी से कह देते हैं कि प्रैक्टिस करो, इट इज़ समथिंग। मैंने आपको बोला कि अगर आप चाइना जाना ना तो फिर चाइनीज में बोलना, आपको लगेगा हाँ चाइना जाऊँगा चाइनीज में बोलूँगा, बट आपको मैंने बोला कि प्रैक्टिस करना कैसे है, बट कैसे बोलोगे, चाइनीज आती है आपको बोलना? तो आपने बोला, मैंने बोला प्रैक्टिस करना, तो आता है आपको प्रैक्टिस करना? तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस करनी क्या है और कैसे करनी है, कि उसका क्या फ़ायदा हो कि आप किसी से भी बात कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो पहले हम वो सीखते हैं। तो प्रैक्टिस करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम वो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है चूज द पर्सन, आप जिसके साथ बात कर सकते हो। हु कैन बी इंटरेस्टेड इन योर टॉक, जो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। अब चूज द राइट पर्सन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको देखना है कि आपको किस इंसान से आप बात कर सकते हो, और हु कैन बी इंटरेस्ट इन योर टॉक, आपकी बातों में वो इंटरेस्ट भी ले, तो उस इंसान को ढूंढना है। और ये एक ऐसा व्यक्ति हर किसी के पास होता है, जिसके पास अपने गिले शिकवे, आपका रोना गाना, मतलब यानी कि सब कुछ जिसके साथ आप शेयर कर पाते हो। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, एंड वो इंटरेस्ट भी ले, तो उसी इंसान को चूज करना है आपको। नाउ सेकेंड, और मेक श्योर द पर्सन इज फ्री, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इंसान फ्री होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है कि हम बात करने वाले हैं और सामने वाले अपना टाइम लेकर बैठना है। ऐसा ना हो कि हम बात करने शुरू करने ही वाले हैं और इंसान बोले कि नहीं 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 मुझे कहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो इंसान फ्री होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, चूज ए लाइफ इंसिडेंट टू नरेट। आपको करना क्या है, अपना अपने लाइफ का कोई भी एक इंसिडेंट निकाल लो जिसको आप एक स्टोरी के फॉर्म में सुना सके। कुछ ऐसा हुआ होगा, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ एम्ब्रेसिंग हुआ होगा, तो आपकी पैंट फट गई होगी कहीं, या फिर कुछ हो गया होगा, तो आपको लगे कि ये थोड़ा फनी भी है और मैं इसे नरेट भी कर सकता हूँ, तो आप करो। अगर आपको लगता है कि कुछ अलग है, कुछ अचीवमेंट हुई है, अगर आपको लगता है तो आप बताओ, कभी ऐसा हुआ हो लाइफ में कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आप उसे एक्सप्लेन एज ए नरेट करके बताओ, तो उसे एक स्टोरी बना के सुनाओ। जब आप सामने वाले को स्टोरी सुना रहे हो तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। तो इसके लिए आपको शॉर्ट स्टोरी नहीं रखनी है, आपको स्टोरी को बड़ा रखना है और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालनी है। लेट से मैं अगर बोलता हूँ कि मैं बाइक से जा रहा था और सामने पानी था, अब मैं जब बाइक पे जा रहा था और साथ में पानी था और सामने से एक कार आई, और जैसी कार आई मैं एक वाइट कलर का शर्ट पहनी हुई थी और सारा रोड का पानी मेरे ऊपर और मेरे वाइट शर्ट ब्राउन हो गई। मैंने आपको जैसे ये एक स्टोरी सुनाई तो आपके दिमाग में पिक्चर बनी, तो आपको भी इसी तरह स्टोरी बना के एक एग्जाम्पल बना के लोगों बताना, ताकि लोगों के दिमाग में पिक्चर बने। अब नेक्स्ट है इन्वॉल्व द पर्सन विथ क्वेश्चंस, जो आपकी बातों पे इन्वॉल्व है तो उससे क्वेश्चन पूछिए कि यदि आप मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते। जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप क्या करते, जब मैंने बोला उसे कि आप यदि मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते, अब मैंने उस इंसान को इन्वॉल्व कर लिया, अब वो इंसान मुझसे बात करेगा और बात ये करेगा कि अब दोनों तरीके से बातचीत भी शुरू हो गई। अब मैंने उस इंसान को इन्वॉल्व भी कर लिया, अब वो इंसान यहाँ बोलेगा, अब दोनों तरीके से बातचीत भी शुरू हो गई है। और अब वो इंसान बोलेगा कि अगर मैं उस इस सिचुएशन में होता तो मैं उस कार वाले के पास जाता और बोलता, या फिर इस सिचुएशन में होता तो बोलता चलो जो हो गया होने दो,
और वह जो भी बोल रहा है बस आपको सुनना है। जब सामने वाले इंसान बोलता है तो हमें सुनना होता है, रोकना नहीं होता है। अगर आप एक इंसान को बोलते हुए टोकते हो तो आप अपना अट्रैक्शन कम कर लेते हो। अब है मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। जब इंसान वो आपको बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो स्माइल कीजिए जब जरूरत पड़े तभी, और आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, नज़रें नहीं चुराना है आपको। अब ये करोगे, किसी इंसान को स्टोरी सुनाना शुरू करोगे, किसी इंसान से बातचीत करना शुरू करोगे। अभी हम बात कर रहे थे ना हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, तो अब होगा क्या, सबसे पहले तो आप खुलना शुरू करोगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसे बोलना शुरू करोगे। आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, आपको इसे 7 बार प्रैक्टिस करनी है। आप अलग अलग इंसान भी हो सकता है या फिर एक ही इंसान हो सकता है, बट आपको अलग अलग इंसिडेंट बतानी है। आप क्या बता सकते हो तो ढूंढो, हर बार मिलो, चर्चा करो। अब आप चर्चा क्या कर सकते हो इसे ढूंढो। इसी तरीके से बोलना जिस तरह से मैंने बोला, इसी पॉइंट को फॉलो करके आपको स्टोरी बना के बोलना है। अब देखो कि मैं खुल गया हूँ और हम लोगों से बात कर सकते हैं, तो अब आती है ऑन द फील्ड प्रैक्टिस। अब आ जाती है बात फील्ड के ऊपर, आपको फील्ड में किस तरह बात करनी है, ऑन द फील्ड प्रैक्टिस। अब आपको एक्चुअल में किसी से बात करनी है। जब आप थोड़ा सा बोलना शुरू कर चुके हो, पहले आप इंट्रोवर्ट थे, आप बोल नहीं पाते थे, तो अब आप एक्स्ट्रावर्ट बनना शुरू कर दिया आपने, तो अब क्या करेंगे। अब आप एक्चुअल में हाय एंड हेलो, जैसे मैंने बोला कि आप ये ओपनर है, ये आपके लिए काम करेंगे। ये ओपनर क्या होती है, ये हम बात कर चुके हैं। हाय एंड हेलो बोलते ही आप सामने वाले इंसान से बात करना शुरू कर सकते हो। जब आप हाय बोलोगे, सामने वाले इंसान को देखकर स्माइल करोगे, तो आप इतना ही कर लेते हैं ना, तो सामने वाले आपका अपना पूरा अटेंशन आपको दे देगा। तो पहले बोलने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है, जैसे हाय, पॉज और स्माइल थोड़ा, जैसे हाय, उसके बाद थोड़ा सा देखना है, ठीक है, लुक, उसके बाद पॉज, उसके बाद स्माइल। नाउ यहाँ हाय के साथ आप अप्रिशिएट कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो, बट ये टेक्निक ना बहुत पुराना हो गया, बहुत सालों से लोग यूज कर रहे हैं। जब से डेल कार्नेगी को लोगों ने सुना, बहुत सारे सेल्स एंड मार्केटिंग कामों में लोगों ने देखा, या अगर कोई इंसान आपको बोले कि आपकी सूट बहुत अच्छा है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इंसान अपना प्रोडक्ट मुझे सेल करने वाला है, ये सेल्स पेच होने वाला है। अगर आप किसी लड़की को बोलते हो ये लुक गॉर्जियस टुडे, तो सामने वाली लड़की को भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और पता नहीं वो क्या क्या और सोचेगी। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अलग करना है, एकदम से किसी को अप्रिशिएट नहीं करना है। यदि आप करते भी हो तो, जैसे कि आप बहुत सुंदर लग रही है, नो, इस तरह नहीं, आपको रहना है बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक रहना है। आप इस पे भी कैसे रहना है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आपकी फोन कवर अच्छी है, तो ये जेन्युइन भी है, अच्छी लगी तो इसके ऊपर आप बात भी कर सकते हो। बट करना कैसे है, पहले हाय, उसके बाद थोड़ा सा उसको देखना, उसके बाद रुकना है, उसके बाद स्माइल, उसके बाद आप अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे हाय, फोन कवर आपकी बहुत अच्छी लगी, आप इसके ऊपर आप आगे बात भी कर सकते हो यदि आप चाहो तो, और उसके बाद एक सवाल पूछ सकते हो। ये सवाल बहुत जगह काम करता है, आपकी यहाँ से बातचीत शुरू भी हो सकती है। लेट्स से कि आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर में हो, लग रहा है कि ये इंसान ही शॉपकीपर है, आपको लग रहा है कि इसी का दुकान है, तो आप आर यू के सेंटेंस को यूज कर सकते हो, आप इससे शुरुआत भी कर सकते हो, जैसे आर यू द शॉपकीपर, आर यू द मैनेजर। अब यहाँ है क्या चीज़, आपने आर यू बोला तो इसमें या तो होगा या नहीं होगा। लेट से आपको कॉलेज में एक लड़की मिली, आपको लगता है कि ये लड़की लॉ डिपार्टमेंट की है, तो आप पूछ सकते हो आर यू फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट, तो आपको लगता है कि ये लड़की फैशन डिजाइनिंग से है या फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है, तो आप बोल सकते हो आर यू फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग। तो वहाँ पर क्या है, या तो होगा या नहीं होगा, एनी वे आप बातचीत शुरू कर सकते हो यदि आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। आपको बातचीत करते समय आपको क्वेश्चन पूछनी चाहिए, और वो क्वेश्चन रिलेवेंट होनी चाहिए, और उस इंसान से आप बातचीत कर रहे हैं तो उसकी बातचीत से ही आपको सवाल निकालने हैं। अगर किसी इंसान ने आपको बोला और आप उसके ऊपर जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उस इंसान ने बोला कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ से, ओ कितना टाइम हो गया आपको, इसके बाद का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारे सवाल है। ये सारे सवाल जब मैं कर रहा हूँ तो सामने वाले को खोल रहा हूँ, तो इससे मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक टू एनीबॉडी। सो नाउ
आई से आर यू द शॉपकीपर, इफ यू से नो ओके। मैं सोचा आप दुकानदार हो और दुकानदार दिख भी नहीं रहा, तो ऐसे करके किसी से भी आप बातचीत शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप ओपिनियन लेके भी बातचीत शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में गए हैं और आपको एक इंसान मिला, आप उस इंसान से पूछ सकते हैं कि हाय एक्चुअल में ना मैं अपने माँ के लिए एक पर्स ले रहा था, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि कौन सा अच्छा है, और वह खुद बोलेंगे कि ये अच्छी है इसे ले लो। तो इसी तरीके से आप किसी से भी बातचीत शुरू कर सकते हो यदि आप चाहो तो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने भी सारे वीडियोस दे रहे हैं तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही, यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियोज़ की अपडेट्स हैं तो वो आप मिस ना कर जाए। थैंक यू सो मच।